प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये क्वेश्चंस हमने वहाँ अपने कवर कर लिए थे। देखो बच्चों, हमने वहाँ पे क्या काम किया था, हमने वहाँ पे अपना लीनियर इक्वेशंस को हमने सोल्व किया था, किससे, बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोलो या इनवर्स मेथड बोलो। तो ये मैट्रिक्स मेथड हमें क्या कहता था, वहाँ पे हमने ये बात सीखी है, सबसे पहला काम आपको क्या करना बच्चों कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस है उनको हमें सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका समझाया था कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस है उनको हमें एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखना है, वेयर ए हमारी क्या होती है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन वहाँ पे एक्स वाई जेड के जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 - 3 - 5, 3 - 2 - 4, 1 - 1 - 2, ये हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू बनेगी। एक्स हमारा क्या होता है, वो वेरिएबल, ठीक है ना, जिनकी वैल्यूज हमें अपनी फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड। तो वहां से हमारी जो मैट्रिक्स बनी थी उसको हम एक्स से लिखवाते थे और बी बराबर में हमारे जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम वहाँ पे बी मैट्रिक्स से अपना वहाँ पे हम डिनोट करवाते थे, ठीक है ना। तो सोल्व करने का मैंने तरीका आपको ये समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स वहाँ पे गिवन है उसका हमें अपना बच्चों डेट निकालना है। अगर हम गिवन मैट्रिक्स का डेट निकालेंगे दो कंडीशन होगी, या तो डेट अपना नॉन जीरो बनेगा या डेट अपना जीरो बनेगा। अगर नॉन जीरो आ गया तो हमने क्या सीखा था कि अपना वहाँ पे उस केस में इक्वेशंस का वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो अपना एक्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू में बी के इक्वल। आई बात समझ में? हाँ, अगर वैल्यू अगर हमारी कभी भी जीरो के इक्वल आ जाए, अगर डेट हमारा कभी भी जीरो आएगा तो बच्चों हमारा वहाँ पे इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपना तरीका चेंज हो गया था। अगर डेट हमारा कभी भी जीरो बनेगा तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, या तो नो सॉल्यूशन बनेगा या फिर मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, हमें वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, उसकी मल्टीप्लाई हमें बी से करवानी है। तो वहाँ से अपनी वही दो बातें, दो कंडीशन होगी, या तो उसकी वैल्यू हमारी वहाँ पे नॉन जीरो बनेगी या वैल्यू उसकी अपनी वहाँ पे जीरो बनेगी। अगर वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो नो सॉल्यूशन, अगर वैल्यू हमारी वहाँ पे जीरो बन गई तो वहाँ से हमें मिलेगा बच्चों अपना मैनी सॉल्यूशन। अभी हमने नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन के कोई भी क्वेश्चन किए नहीं है, हमने अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो हमने यूनिक सॉल्यूशन के किए हैं। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि सबसे पहले हम पूरी एक्सरसाइज से हमारे जितने भी यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम पहले एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अपना कवर हो चुका है। अब आगे हम यहाँ पे अपना करने जा रहे हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है ना। अब जो हमारे क्वेश्चंस रह गए नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन के, वो मैं आपको इनके बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक बार अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट के अंदर स्टेटमेंट पढ़ो। एट्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस वहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे हमारी 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना ये 3x3 वाला करवा देता हूँ, 2x2 वाला अपने आप ही करोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये दे रखी, ठीक है ना। अब ये बोलते हैं कि फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहला काम इन्होंने क्या बोला है कि इस मैट्रिक्स का बच्चों में यहाँ पे इनवर्स निकालना है। आगे एक बार भूल जाओ, हमें क्या काम करना वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, सारा काम हमने 5.2 के अंदर किया है, याद होगा। अगर हमें ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हमने क्या सीखा था बच्चों, सबसे पहला काम कंसिडर डेट ऑफ ए, हमें डेट ऑफ ए की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ए मैट्रिक्स का हम डेट अपना कैसे निकालेंगे, समझो ये बात। देखो एक बार, 2 - 3 - 5, 3 - 2 - 4 और 1 - 1 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, -2। क्या बोला आपको, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आई बात समझ में? ये साइन और ये नंबर 2 * में देखो एक बार क्या लिखवाएंगे। तो करो यहाँ पे अपना डेट को सोल्व, तो 2 * में देखो बच्चों एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, माइनस का 4 तो ये आ गया और प्लस का 4 वहाँ से हमारा बनेगा, माइनस का 4 प्लस का 4। ये साइन और ये नंबर, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 6 और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन और ये नंबर प्लस 5। देखो एक बार, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी, देखो बच्चों एक बार, 3 - 2 चलो लिखवाई देते हैं। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी कितनी आ गई, देखने एक बार, ये हमारा 0 बनेगा, 0 * something कितना आ गया, 0 आ गया, -6 + 4 कितना आ जाएगा अपना, -2 बनेगा, और -2 * 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -6 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 - 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 - 5 कितना आएगा अपना, 5 आएगा। तो -6 + 5 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, -1। और डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, नॉन जीरो आ गया। अगर नॉन जीरो आ गया देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स अपना एग्जिस्ट करेगा तो निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है। अब देखो बच्चों, हमने ए इनवर्स का अपना जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या होता है, 1 / डेट ऑफ ए,
इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए हम यहाँ अपना निकाल चुके हैं। अब एक चीज और निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट में निकालना, उसके लिए हम सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर्स निकालो। देखो एक बार कोफैक्टर निकालने हमने सीखे, देखो एक बार सबसे पहला काम ए वन वन कैसे करेंगे। सम तो इवन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का फोर प्लस का फोर, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, जीरो। ए वन टू सम ऑर्डर माइनस साइन अपना पहले ही लगा दियो, ठीक है ना। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, कितना बनेगा, माइनस का सिक्स और प्लस का फोर, माइनस का टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, अपने यहाँ पे प्लस का टू होगा। और आगे देखना एक बार, ए वन थ्री की वैल्यू हमारी क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, थ्री माइनस का टू, वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, वन आ गई। अब ए टू वन सम ऑड है, माइनस साइन तो अपना पहले यहाँ पे बुक हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितनी वैल्यू आ गई, प्लस का सिक्स, तो अपना ये बनेगा सिक्स माइनस का फाइव, वैल्यू वन, तो माइनस वन हो जाएगा, क्यों, सम अपना यहाँ पे ऑड था। अब आगे देखना एक बार, ए टू टू करवाओ बच्चों, एक बार ए टू टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, ये हमारा बनेगा माइनस का तो फोर बन गया और माइनस का फाइव, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का नाइन। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, ए टू थ्री की वैल्यू, सम माइनस का तो आना ही आना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, टू प्लस थ्री कितना आ गया फाइव, तो माइनस फाइव बनेगा। ए थ्री वन देखो एक बार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितनी वैल्यू बनेगी, 12 माइनस का 10, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगा, 3 1 है ना, तो 12 माइनस का 10, हाँ ठीक है। अब ए थ्री टू देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, सम मोड है, माइनस साइन तो अपने यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, माइनस का 8 और माइनस का कहाँ गया, 3 2 है ना, 3 2, तो माइनस का 8 और माइनस का 15, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, माइनस का 23, और माइनस माइनस सम ऑड था, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस का 23। अब आगे एक काम करो, ए थ्री थ्री सम तो इवन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, 4 प्लस 9, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 13। आइए बात समझ में। अब यहां से अपना एडजॉइंट फाइंड आउट करो सबसे पहले, तो ये बताओ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी यहां पे क्या आ जाएगी। देखो बच्चों एक बार, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करवाओ। फिर कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आगे, 0 2 1, आगे माइनस वन, 0 2 1, उसके बाद माइनस वन माइनस नाइन माइनस फाइव, 2 23, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 13। और इनका अपना ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो एक बार, इसको हम क्या लिखवा सकते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में माइनस वन माइनस नाइन माइनस फाइव, ठीक है ना। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 23, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 13 बनेगी। आइए बात समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट करवा चुके हैं, बट हमें अपना निकालना क्या है, हमें वैल्यू अपने यहाँ पे ए इनवर्स की फाइंड आउट करनी है। अब ये बताओ बच्चों, ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो देयर फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, फॉर्मूला हमने क्या सीखा, 1 बाई डेट ऑफ ए। अब डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है, देखो एक बार क्या आई थी, माइनस वन, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 बाई में माइनस वन इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 0 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 23, और आगे 1 माइनस का 5, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 13। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो गया प्लस, और वो हो जाएगा बच्चों अपना माइनस। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों, आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि यूजिंग ए इनवर्स, हमें अपना इस ए इनवर्स का यूज करना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ आगे, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास यहाँ पे ये तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों सोल्व करवाना है, किसका यूज करवा के, इस ए इनवर्स का यूज करवा के। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों आगे कैसे करेंगे, आगे का काम अपना बड़ा आसान है। अच्छा ये बताओ, अगर हमें कभी भी लीनियर इक्वेशनों को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना पड़ जाए, तो तरीका हमने क्या सीखा है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों, सबसे पहले काम करो, इन इक्वेशंस को अपने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का हमने तरीका समझा है, बताओ क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ
ax इज इक्वल टू b हमने पढ़ा था, बट एक बात सोचने की बच्चों, यहां पे अपना a का यूज पहले ही हो लिया, तो एक काम करो a को छोड़ दो एक बार, a का यूज अगर हमने पहले ले लिया, a का यूज हमारा पहले क्वेश्चन में हो चुका है, तो a की जगह हमने यहां पे बच्चों अपना किसका यूज कर लिया, b का यूज कर लिया, तो क्या लिखेंगे bx इज इक्वल टू में c। बोलो ये बात आई समझ में। वेयर, सबसे पहले ये बताओ बच्चों हमारे यहां पे क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या बनेगी, बी इज इक्वल टू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बी की वैल्यू हमारी क्या होती है, कोफिशियंट होते हैं हमारे एक्स वाई और जेड के, देखना एक बार। तो बी की वैल्यू हमारी यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बनेगी, तो बी की वैल्यू यहां पे पुट करवाओ, वेयर बी इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 - 3 5, आगे 3 2 - 4, और आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना यहां पे 1 1 - 2। बी की वैल्यू हमारे पास ये है, x की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्वेश्चन में क्या बनेगी, x का सभी को पता है जो भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, जिन वेरिएबल नंबरों की हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और c की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी बच्चों c इज इक्वल टू में देखना एक बार, इक्वल टू में हमारी जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है 11 - 5 और -3। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब देखो बच्चों सोल्व तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहला काम हमें अपना चेक करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा या नो होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और ये चेक करने के लिए हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी है, सबसे पहला काम जो भी अपनी मैट्रिक्स आ गई उसका अपना अपना वहां पे डेट निकाला करो, और डेट निकालना सभी को आता है, क्या लिखा हुआ है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। अगर आप इसका डेट निकालोगे तो वैल्यू हमारे यहां पे बनेगी बच्चों -1, ये काम अपने आप ही करोगे, ठीक है ना। और -1 हमारा कैसा नंबर बच्चों, एक नॉन जीरो नंबर है। अब देखो यहां पे हमारी जो डेट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। अगर डेट की वैल्यू हमारे यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सिंस, पहले इनको बताओ, सिंस लिख देते हम यहां पे डेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों जीरो, देयरफॉर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, तो इन इक्वेशंस का जो अपने यहां पे सॉल्यूशन होगा वो बच्चों कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमने जो अपनी एक्स की वैल्यू पढ़ी है, एक्स इज इक्वल टू में बताओ बच्चों क्या बनेगा, बी इनवर्स इनटू में सी बनेगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो हमारा सॉल्यूशन अपना ये होगा, इस बात का तो हमें पता चल गया। अब आगे इन्होंने ये बोला है कि ये जो हमें सॉल्यूशन निकालना बच्चों हमें इस ए इनवर्स का यूज करके निकालना है, ऐसे नहीं है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बी आ चुका है आगे कोफैक्टर निकालो एडजॉइंट निकालो वहां से बी इनवर्स निकालो सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट कराओ, ये तरीका गलत होगा। आगे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे मैं जो आगे सॉल्यूशन निकालना बच्चों सॉल्यूशन हमें यहाँ पे अपना इस ए इनवर्स का यूज करके निकालना है, यानी देखो हमें देखो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है बच्चों, सी की वैल्यू हमारे पास है, सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे बी इनवर्स हो। अब बी इनवर्स हमारे पास है नहीं, अगर बी इनवर्स नहीं तो इन्होंने ये बोल दिया कि यूजिंग ए इनवर्स वहां पे हम अपना बी इनवर्स निकालेंगे, यानी कहने की बात ये है कि हमें अपना जो बी का इनवर्स निकालना है वो हम अपनी ए इनवर्स की हेल्प से निकालेंगे। अब देखो बच्चों अगर हमें कभी भी इस इनवर्स की हेल्प से वो इनवर्स निकालना पड़ जाए, इनवर्स निकालना बड़ा आसान है ऐसे हेल्प से अगर निकालोगे तो, बस यहां पे आपको एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, इस ए का जिसका इनवर्स हमने पहले निकाल लिया और उस बी का जिसका इनवर्स हमें निकालना है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन पक्का मिलेगा, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी का ट्रांसपोज होगा, यानी इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को आपको ढूंढना है। अब देखो बच्चों यहां पे अपना ए और बी का क्या रिलेशन आपस में देखना है एक बार, ए की फर्स्ट रो में 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2, और वहां पे भी क्या लिखा हुआ है 1 1 - 2। अब देखो बच्चों हमें यहां पे एक बात का पता है कि वी नो दैट, अब हमें एक बात का पता है कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो अपनी ए मैट्रिक्स के बच्चों इक्वल है, आइए बात समझ में। अब बी ए के इक्वल है बट हमें यहां पे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, बी का इनवर्स निकालना है, तो एक काम करो अगर बी ए के इक्वल है तो जो अपने यहां पे बी का इनवर्स होगा वो बताओ बच्चों किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल, बोलो होगा या नहीं होगा। और ए इनवर्स की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास ये रही, अब देखो इसका यूज करवा के हमने अपना किसका इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया। अब बी इनवर्स हमारे यहां पे ए इनवर्स के इक्वल है, आइए बात समझ में। अगर बी इनवर्स हमारे यहां पे ए इनवर्स के इक्वल है तो देयरफॉर देखो एक्स हमारा किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू में बी इनवर्स सी है, ये बात हमने अपनी सीखी है। अब देखो बच्चों एक्स की जगह एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, अब बी इनवर्स हमने इस ए इनवर्स की हेल्प से निकाल लिया, बी इनवर्स हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल लिखो वैल्यू 0 1 - 2
जीरो वन माइनस टू। आगे देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, माइनस का टू नाइन माइनस का ट्वेंटी थ्री माइनस का 23। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, माइनस वन फाइव माइनस का 13। बोलो ये बात आई समझ में। और इनटू में क्या लिखा हुआ देखो एक बार, इनटू में हमारे यहां पे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है, देखो ये रही 11 माइनस का 5 माइनस का 3। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में, अच्छा एक काम करो आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी यहां पे क्या बनेगी देखना एक बार। सबसे पहला काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो जीरो आ गया, इसकी इसके साथ माइनस का 5 और थर्ड की थर्ड के साथ प्लस का 6 बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने करवा दिया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो बच्चों एक बार कितना बनेगा, माइनस का 22, उसके बाद माइनस का 9 इंटू में 5 कितना आ गया 45, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपने यहां पे प्लस, 23 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 69 बनेगी। बोलो ये बात आई समझ में। अब सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करवाओ, फिर पहले की पहले के साथ माइनस का 11, सेकंड की सेकंड के साथ माइनस का 25 और थर्ड की थर्ड के साथ प्लस का 39। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखिए एक बार अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बताओ माइनस का 5 प्लस का 6 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो पहले काम करो माइनस वाले नंबरों को आपस में प्लस करवा दो, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 7, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा अपना 6, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी माइनस का 67 और प्लस का 69 है तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई प्लस का 2, इनको भी प्लस करना है एक बार, माइनस का 25 और माइनस का 11 क्या आ गया माइनस का 36 और प्लस का 39 बनेगा, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 3। अब देखो दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल कभी भी आ जाए वही 3.1 वाला काम, ठीक है ना, पहला पहले की इक्वल, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया 1, वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना 2 एंड जेड इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 3। और यही चीज हमें यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट है तो आया समझ में, तो इसकी हेल्प से अगर हमें आगे क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करना पड़ जाए तो कर लोगे ना, काम बड़ा आसान है, बस चीज तो वही अपने वहां पे हमने इनवर्स अलग से निकाला था, यानी इस क्वेश्चन के अंदर वहां पे निकाला था आगे, यहां पे हमने इनवर्स पहले फाइंड आउट कर लिया, अब उसकी हेल्प से हमने अपने बी इनवर्स की वैल्यू वहां पे पुट करवा दी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ो अपनी। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करने हैं। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अपना यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट अपने यहां पे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहां पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, हमें यहां पे सबसे पहले अपनी ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और अब आगे ये बोला कि इस ए इनवर्स का यूज करो आगे हमें यहां पे इन इक्वेशंस को बच्चों यहां पे अपना सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहला काम तो अपना पुराना काम तो वही रहेगा, सबसे पहला काम देखो ए का अपना यहां पे डेड निकालो, अगर हम अपना डेट ऑफ ए निकालेंगे तो देखना बच्चों एक बार, डेट ऑफ 111 12 माइनस 3 2 माइनस 1 3 साइन प्लस माइनस प्लस, ये साइन और ये नंबर प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6 और माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 3, तो 1 इंटू में 6 माइनस का 3, अब ये साइन और ये नंबर माइनस 1, फर्स्ट रो एंड साइन कॉलम को छुपाओ कितना बनेगा अपने यहाँ पे 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, प्लस 1 इंटू में देखो एक बार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4। अब देखो करो सिंप्लीफाई, अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो अपनी डेट ऑफ ए की वैल्यू बने वो नॉन जीरो बनेगी, क्योंकि देखो बच्चों 6 माइनस का 3 3 आ गया, यहाँ पे 9 बनेगा तो माइनस 9 आ गया, माइनस का 5 अपना वो बनेगा, तो ये बताओ 3 माइनस का 9 कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखवाएंगे, सिंस डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देयरफॉर, ये चीज बच्चों अपने आप ही लिखवाओगे, ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 बाई डेट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखो एक बार 1 अपॉन में डेट ऑफ ए वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डेट ऑफ ए, तो डेट ऑफ ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो सबसे पहला काम ए 11 को फैक्टरों की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो, तो ए 11 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी देखो एक बार, सम तो इवन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6
और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 3 बनेगा। a12 सम मोड तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा। a13 की वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस का 5, हमने ऑलरेडी पहले ही सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना। अब एक काम करो, a21 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो अगर हमें अपने a21 की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा 3+1 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 4 आ गया, तो साइन ही माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस 4 आ जाएगा। अब a22 देखना एक बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छुपा लिया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3-2, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1। अब देखो एक बार a23 सम ओड है, तो माइनस साइन अपना पहले ही आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, -1 और -2, -3 आएगा, -3 क्या हो जाएगा अपना +3। a31 सम तो इवन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, -2, -5 आ गया। a32 सम ओड है, तो माइनस साइन अपना पहले ही आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 और -1, -4, -3 क्या हो गया +4 हो गया। अब आगे a33 की वैल्यू देखो बच्चों एक बार, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपा लो अपना, 2-1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब कोफैक्टर तो हमने निकाल लिए, बट वैल्यू में यहां पे फाइंड आउट किसकी करनी, एडजॉइंट ऑफ ए की। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या आ गई 3-9-5-4-1-3-5-4-1 इनकम करवा देते अपना ट्रांसपोज, तो वैल्यू देखो बच्चों क्या आ जाएगी देखना एक बार। अच्छा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3-9-5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -4-1-3 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -5-4-1, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए आते ही मेन काम हमें अपना निकालना क्या बच्चों, ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा, 1/det(a)(adjoint)(a), वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो 1/det(a), det(a) की वैल्यू हमारे पास -11 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू अपनी ये रही 3-4-5 -9-14 -5-3-1। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों ए इनवर्स तो हमें अपना फाइंड आउट कर चुके हैं, बाकी इन्होंने क्या बोला है इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों अगर इक्वेशंस को हमें सब कभी भी सोल्व करना पड़ जाए, सबसे पहला काम बताओ अपना क्या रहेगा क्या बोला है, सबसे पहले इनको अपना यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताओ क्या लिखवाएंगे, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो इनकी यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी फॉर्म ऑफ। देखो बच्चों ए का यूज हमारे यहाँ पे पहले हो लिया, तो क्या लिखवाएंगे bx इज इक्वल टू में क्या लिखवा दें, सी लिखवा दें, वेहर सबसे पहले इनको बताओ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू में देखो एक बार, तो b की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या बनेगी 1-1-2 कोफिशियंट यहाँ पे अपने लिखवा दो, 1-2-1 आगे 1-3-3 एक्स की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, एक्स हमारे यहाँ पे होते हैं बच्चों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड अननोन नंबर्स जिनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और बी हमारे यहाँ पे आएगा बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनेगी 0-9-14 देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो आगे मैंने आपको क्या समझाया है, सबसे पहला काम हमें चेक करना पड़ेगा क्या सोल्यूशन अपना यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, वो चेक करने का तरीका कंसिडर डेट ऑफ बी की वैल्यू अपने यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करो, डेट ऑफ बी 1-1-2, 1-2-1, 1-3-3 अगर आप यहाँ से अपनी डेट की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों -11। देखो फिर भी चेक कर लो एक बार क्या बताया है, प्लस माइनस प्लस ये साइन ये नंबर इसको छुपाना तो 6-3 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 3, तो अपने ये आ गया, आगे -1 इंटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लियो कितना बनेगा 3+1 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है 4 हो गया, +2 इंटू में देखो एक बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी -3 और -2 कितना बनेगा बच्चों अपना -5 3-4 कितना आ गया -1 और -10 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे अपनी क्या आ गई बच्चों -11 और ये हमें पता विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो सिंस ये बात इनको समझाओ, यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो देयर फोर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन,
तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, अपना यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जो हमारी एक्स की वैल्यू बनेगी वो बताओ बच्चों क्या बनेगी, बी इनवर्स इंटू में सी। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे मेरे जो बी इनवर्स निकालना है पूरा प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे नहीं करना, हमें यहाँ पे इसके हेल्प से अपने वहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं इस ए इनवर्स का यूज हमें करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों टाइम आ चुका है जब हम अपना ए इनवर्स का यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ बी इनवर्स निकालना है, अब मैंने क्या बताया है बी इनवर्स हम ए इनवर्स की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, बट उसके लिए आपको बस एक चीज देखनी पड़ेगी इस ए और बी का इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों यहाँ पे रो में 111 है और यहाँ पे कॉलम में 111 है, यहाँ पे सेकंड रो में क्या गया 12-3, यहाँ पे सेकंड कॉलम में 12-3, 2-13 थर्ड रो में है और यहाँ पे थर्ड कॉलम में 2-13। बोलो है या नहीं है, रिलेशन का हमें पता चल गया बच्चों। यहाँ पर जो अपना बी है ना वो क्या बच्चों ए ट्रांसपोज है, बी इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच्चों ए ट्रांसपोज है, इस बात का हमें पता है एज वी नो, एज वी नो B इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे A ट्रांसपोज है, हमें निकालना पड़ा यहाँ पे B का इनवर्स। अब देखो अगर B का इनवर्स निकालना तो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जो अपना B का इनवर्स होगा बच्चों किसकी इक्वल होगा A ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल। बोलो होगा या नहीं होगा, आइए बात समझ में। अब एक्सरसाइज 5.2 में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मैं यहाँ पे ट्रांसपोज और इनवर्स के साइन को हम इंटरचेंज करवा सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था ट्रांसपोज लेके इनवर्स लो या फिर इनवर्स लेके ट्रांसपोज लो, वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहेगी बच्चों सेम। मैं ए ट्रांसपोज के इनवर्स को मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि बी इनवर्स का ट्रांसपोज, सॉरी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आइए बात समझ में। तो यहां पर जो अपना बी इनवर्स होगा वो किसकी इक्वल होगा बच्चों ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखो एक बार, अच्छा एक काम करो अगर बी इनवर्स हमें निकालना तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज करवा दो। देखो इसका यूज हमने कर लिया तो बी इनवर्स हमारा किसके इक्वल है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल, इसका ट्रांसपोज करवाओ। तो देखो एक बार माइनस का 1/11 तो बच्चों है कांस्टेंट बार एज इट इज, करवाना ट्रांसपोज। देखो एक बार फर्स्ट रो है तो आप लिखवा देंगे फर्स्ट कॉलम में 3-4-5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -9, 1, 4 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -5, 3 और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ए इनवर्स के हेल्प से हमने यहां पे वैल्यू अपने किसकी फाइंड आउट कर ली बच्चों बी इनवर्स की, काम बड़ा आसान है, बस इन दोनों का हमें यहां पे रिलेशन चेक करना है इनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे तो बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो एक बार सारा काम अपना हो चुका है, अब देखो एक्स इज इक्वल टू में हमारा कितना है बी इनवर्स इंटू में सी, देयरफॉर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू बताओ बच्चों क्या रहेगी हमारी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में बी इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस का 1/11 इंटू में करो सोल इस सीरीज को अपना यहाँ पे 3-9-5 -4, 1, 3 -5, 4, 1 और इंटू में आ गया बच्चों अपना यहाँ पे सी और सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0, 9, -14। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक बार क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं यहां से थोड़ा सा ये रब कर देता हूं, अब देखिए एक बार तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी आपने क्या बनेगी देखना एक बार माइनस का 1/11 वहां पे एक काम करो बच्चों दोनों मैट्रिसेस के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले के साथ कितना आ गया 0, सेकंड के सेकंड के साथ कितना बनेगा बच्चों अपना माइनस का 9 × 9 है ना तो 0 - 81 तो अपना ये आ गया और थर्ड की थर्ड के साथ माइनस माइनस अपने यहाँ पे क्या हो गया बच्चों प्लस एंड 14 × 5 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 70 बनेगी। अब एक काम करो सेकंड और फर्स्ट कॉलम करो ये 0 बनेगा अपना ये कितना आ गया 9 तो आ गया प्लस का और माइनस में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 42 ठीक है ना। अब एक काम करो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो 0 प्लस में कितना आएगा 36 और आगे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 14 ठीक है ना। अगर सोल्व करवाएंगे देखना एक बार एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक काम करो सबसे पहले माइनस का 1/11 इनको ऐड करना एक बार देखो अच्छी बताओ 70 - 81 है ना तो माइनस का 81 और प्लस का 70 तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों माइनस का 11 आ गया। 9 - 42 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 33 बनेगा और यहाँ पे 36 - 14 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 22 आ जाएगा
ठीक है ना। अब एक काम करो, हर टर्म को अपने माइनस 11 से डिवाइड करवा दो। अगर डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों माइनस का 2। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब वही चीज, दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल है तो देयर फोर पहला पहले की इक्वल एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया 1, सेकंड सेकंड की इक्वल वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया 3, और थर्ड थर्ड के इक्वल जेड इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे माइनस का 2। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यूज अपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया करो कि ये वैल्यूज हमारे यहाँ पे सही है या गलत है। वैल्यूज वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया था, जितनी भी वैल्यूज आ गई वो सारी वैल्यूज गिवन इक्वेशन तो चलो मैंने रब कर दी, ये अपने आप पुट करवा दोगे ना, वहाँ पे पुट करवा के अलग से रफ में चेक कर लिया करो, अगर सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशंस को ये वैल्यूज तो ये वैल्यूज हमारी सही है, अदरवाइज गलत है, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर 11 दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करवा देता हूँ, 10 बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिया अपना क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, एक का नाम ए बोल दिया एक का नाम बी बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले फाइंड ए बी, हमें यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करवाना देखो बड़ा आसान काम है, सारा काम हमने 3.3 में ही सीख रखा है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर हमें कभी भी करना पड़ जाए, जैसे कि मान लो यहीं पे देख लो अपना यही क्वेश्चन अपना यहाँ पे लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू में, अच्छा ये बताओ ए की जगह की वैल्यू पुट करवाओ कितना आ गया 1-1 0 2 3 4 0 1 2 इनटू में बी, बी की वैल्यू बताओ तो क्या बनेगी 2-2 -4 -4 2-4 और आगे वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों 2-1 5, ठीक है ना। तो एक काम करो मल्टीप्लाई करवा दो तो ए बी इज इक्वल टू में देखो बच्चों क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, चेक करना एक बार। अच्छा ये बताओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा अपना 2+4, 2+4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे अपनी 6+0 कितना आ गया 6 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2-2 0+0 कितना आ गया बच्चों अपना 0 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना बनेगा हमारे यहाँ पे 4+4 0 आ जाएगा, वो अपना 0 बनना है ही। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4-12 कितना बनेगा हमारा 8+8 वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4+6 10-4 6 आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 8-12 कितना बनेगा 20+20 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0-4+4 0 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0+2-2 वैल्यू हमारी 0 बनेगी। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो बच्चों एक बार 0-4+10 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। आई बात समझ में। अच्छा देखो बच्चों जब हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल ली तो ए बी इज इक्वल टू में देखना एक बार, देखो हर नंबर की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे 6 से की हुई है। अगर मैं यहाँ पे अपना 6 को बाहर लिखवा दूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिखवा सकता हूँ, वैल्यू क्या बनेगी 1-0-0 0-1-0 0-0-1। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। और ये हमारी क्या होती है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और देखो एक बार इसकी हेल्प से बाकी इन्होंने क्या बोल दिया कि हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस को बच्चों सोल्व करना है। अब सोल्व तो हम कर लेंगे, सोल्व करना तो बाद की बात है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इन इक्वेशंस को अपने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देखो बच्चों किस फॉर्म में लिखवाएंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। बट एक बात सोचने की है, यहाँ पे हमारा ए और बी का यूज तो पहले ही हो लिया बच्चों, ठीक है ना। तो एक काम करो ए और बी को एक बार ही छोड़ो, यहाँ पे ए और बी के अलावा हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखवा देते हैं सी एक्स इज इक्वल टू डी। ए की जगह हमने अपना सी का यूज कर लिया, बी की जगह हमने अपना डी का यूज कर लिया, ठीक है ना। वेहर सबसे पहले इनको सिखाया करो, बताओ इनको यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू होता बच्चों क्या की देखना एक बार। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू 1-1, बट देखो वेरिएबल हमारे यहाँ पे 3 है, जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारी बच्चों कुछ भी नहीं है तो क्या लिखवाएंगे 0। यहाँ पे देखना एक बार 2-3-4, यहाँ पे देखो x की कोई भी वैल्यू नहीं तो 0, y के साथ क्या है 1 और z के साथ बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कितना आ गया 2। तो c की वैल्यू हमारे पास ये है, x की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे क्या बनेगी देखना एक बार, x की वैल्यू एक्स वाई जेड। और d की वैल्यू का सभी को पता है, जो भी बराबर में हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स बच गई वो अपने यहाँ पे लिखवाओ 377।
बोलो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो, अगर मैं अपना सॉल्यूशन कभी भी चेक करना पड़ जाए, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है, हमेशा इस सी का अपना यहाँ पे डिटरमिनेंट बच्चों फाइंड आउट किया करो। अगर हम यहाँ पे अपना सी का डेट निकाल दें तो 1 - 1 = 0, 2 - 3 = 4, 0 - 1 = 2। देखो बच्चों एक बार, प्लस माइनस प्लस, क्या बोला, ये साइन और ये नंबर, ठीक है ना। तो प्लस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, 6 - 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। ये साइन और ये नंबर प्लस 1, इनटू में देखना एक बार, फर्स्ट रो साइन कॉलम को छुपाओ, 4 - 0 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, 4 आएगा, और 4 + 2 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। और ये हमें पता है ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। अगर नॉन जीरो वैल्यू, सिंस ये बात इनको पहले बताओ, डेट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू, में क्या आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे, 0 आ गया। अगर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बच्चों कैसा होगा, यूनिक होगा। आइए बात समझ में, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये बताओ x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, c इनवर्स, और इनटू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, d। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोल दिया, जो ये बात हमने ऊपर प्रूव की है, अब देखो एक बार, x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच्चों, c इनवर्स इनटू में d है। अब देखो, अब इन्होंने ये बोला कि जो बात हमने यहां पे ये प्रूव करवाई है, देखो हमने ये बात प्रूव करवा दी, ab बराबर में कितना आ गया, 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी, ये बात हमने यहां पे प्रूव करवा दी, ठीक है ना। ab की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, 6 टाइम आई किसका, आइडेंटिटी का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ab हमारा आइडेंटिटी के इक्वल बनेगा, यहां पे 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे इन्होंने बोला कि इस बात का यूज करवा के हमें यहाँ पे सी इनवर्स निकालना बच्चों, क्या निकालना हमें, इस बात का यूज करवा के हमें सी इनवर्स निकालना है। अब ये तो हम इजिली निकाल लेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको एक बात समझाई है कि सबसे पहले ये चीज चेक करो बच्चों, सी का इन दो में से किस भी एक के साथ, यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, तो या तो ए के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा या बी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, यहाँ पे हमेशा इक्वल मैट्रिक्स मिलेगी। देखो सी हमारी किसके इक्वल है, ए के या बी के, देखो सी 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 2 - 3 - 4, 2 - 3 - 4 - 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2। अब देखो एज वी नो, हमें बच्चों एक बात का पता है कि यहां पर जो हमारी सी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये बताओ, अगर सी हमारी यहाँ पे ए के इक्वल है तो जो अपना सी का इनवर्स होगा वो बताओ बच्चों किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहां से अपनी कहीं ना कहीं से अपनी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाए तो बात बन जाएगी ना। अब देखो बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, अब ए का इनवर्स और सी का इनवर्स दोनों हमारे यहाँ पे बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में एक बात हमारे पास आ गई, ए बी बराबर में कितना है, 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी है, इसको हमने मान लिया बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 4th, ठीक है ना। अब देखो एक बार, फ्रॉम 4, मैं यहाँ पे अपना 4 को अलग से यहाँ पे लिखवाता हूँ। देखो एक बार, यहाँ से अपने एक बात क्लियर होगी। अच्छा ये बताओ, 6 को एक काम करना बच्चों, आइडेंटिटी बराबर में हमेशा अकेली होनी चाहिए, उसके साथ जो भी नंबर आ गया उसको एक बार यहाँ पे लेके आओ। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि 1/6 टाइम ऑफ ए बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आइए बात समझ में। अब देखो आगे एक बात सोचने की है, अब एक चीज हमने 5.2 में पढ़ी थी बच्चों, अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी कभी भी आ जाए, तो वहां पर हमने एक बात सीखी थी, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, इनवर्स टू ईच अदर। यानी ऐसे केसेस में ए का इनवर्स अपना बी बनेगा बच्चों, और बी का इनवर्स अपना यहां पे क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, यहां पे भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल, तो इनवर्स टू ईच अदर, ये बात हमने वहां पे सीखी थी। इस केस में देखो बच्चों, हमें अपना क्या निकालना, ए का इनवर्स निकालना है, तो ये बताओ ए का जो अपना इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी मैट्रिक्स है। अब ये बताओ, जैसे कि अगर मान लिया हमारे पास बी कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो 1/6 बी भी हमारी क्या होगी, कोई मैट्रिक्स ही होगी। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं आउटपुट हमेशा वो मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो एक काम करो, अगर मैं 1/6 ए बी को ऐसे लिखवा दूं कि ए इंटू में 1/6 टाइम ऑफ बी, तो देखो बच्चों दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिटी आया नहीं आया, ए के साथ जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है वो भी एक मैट्रिक्स सी है, पूरा ये 1/6 टाइम ऑफ ए बी, ये जो नंबर आ गया वो पूरी एक मैट्रिक्स है। अब देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हमारा आइडेंटिटी कभी भी आ जाए, तो हमने क्या सीखा है, ए के साथ जो वैल्यू होगी बच्चों वो ए का इनवर्स होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखवा दूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में
वन बाई सिक्स टाइम ऑफ बी, ए के साथ हमारी जो भी मैट्रिक्स है वो अपना इसका इनवर्स होगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि बी का इनवर्स इज इक्वल टू में बच्चों वन बाई सिक्स टाइम ऑफ ए। यानी देखो अगर मैं 1 बाई सिक्स को आगे ले लूं तो बी के साथ जो मैट्रिक्स हो बी का इनवर्स होगा, तो ये वैल्यू हमारी अपना यहाँ पे बी का इनवर्स हो जाता है, और जो अपना ए का इनवर्स होगा वो क्या होगा बच्चों 1/6 टाइम ऑफ बी। जैसी वही बात है, अगर ए बी बराबर में आइडेंटिटी है तो ए के साथ जो वैल्यू वो ए का इनवर्स है, या फिर बी के साथ हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारा बी का इनवर्स है। तो देखो एक बार, ए के साथ मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है ये अपना ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों 1/6 टाइम ऑफ बी। ये मैट्रिक्स हमारा ए का इनवर्स है, आई बात समझ में, और इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स है, ये बात हमने पढ़ी थी। बट हमें यहाँ पे बी इनवर्स नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ पे अपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ए इनवर्स बराबर में बताओ बच्चों क्या होगा 1/6 टाइम ऑफ बी, और ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल है सी इनवर्स के इक्वल है, तो देयरफॉर सी इनवर्स इज इक्वल टू में क्या होगा 1/6 टाइम ऑफ बी। तो एक काम करो बच्चों वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, तो सी इनवर्स इज इक्वल टू में कितना आ गया ये रहा बी। एक काम करो 1/6 टाइम ऑफ बी, बी की वैल्यू हमारे पास है देखो बच्चों क्या है 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4, ठीक है ना, और आगे माइनस का 4 2 माइनस 4, आगे क्या लिखवाएंगे 2 माइनस का 1 5। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब इसकी हेल्प से यहां पे हमने अपनी सी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो बच्चों ये चीज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा सकते हो ना, हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पे और भी आसान था, वहां पे ए भी बराबर में आइडेंटिटी आएगा, वहां पे मल्टीपल में 6 भी नहीं आएगा, तो वही बात वहां पे जो अपना ए का इनवर्स होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा, आई बात समझ में। और यहां पे जो अपना ए का इनवर्स आया है वो क्या बन गया बच्चों 1/6 टाइम ऑफ बी। क्यों बना ये सारी बात मैंने आपको यहां पे समझा दी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों आगे एक काम करते हैं, हम इन चीज को यहां से हटा देते हैं, इनका काम अपना हो लिया। अब देखो C का इनवर्स हमारे पास आ चुका है, इसके इक्वल आ गया बच्चों, अब ये बताओ X इज इक्वल टू में कितना है, X की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में C इनवर्स, वैल्यू क्या आ गई 1/6 टाइम ऑफ B 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस का 1 5, और इनटू में कितना आएगा बच्चों अपना यहां पे D की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या है 3 17 7। आइए बात समझ में, अब तो बस मल्टीप्लाई करवानी है, और मल्टीप्लाई तो हम देखो बचपन से करते आए हैं, करवाओ फिर 1/6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा 6 आ गया प्लस का 34 माइनस का 28, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 12 प्लस का 34 और यहाँ पे वैल्यू माइनस का 28 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, ये आ गया हमारा यहाँ पे 6 माइनस का 17 और आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों प्लस का 35 क्रॉस और। अच्छा ये बताओ 1/6 टाइम ऑफ, देखना एक बार वैल्यू अपने यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो एक काम करो 34 प्लस का 6 कितना आ गया अपना 40 और 40 माइनस का 28 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 12, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ पहले एक काम करो माइनस वाले नंबरों को आपस में प्लस कर लो, माइनस का 28 और माइनस का 12 है तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 40 और माइनस का 40 और प्लस का 34 वैल्यू आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे माइनस का 6। यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ माइनस का 17 है और प्लस का 6 है तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 11, माइनस का 11 और प्लस का 35 यानी 35 में से हमें क्या माइनस करना 11, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 24। तो ये बताओ यहाँ से अपना एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में कितना आ गया, हर टर्म को 6 से डिवाइड करवा दो 2 माइनस का 1 4। अब वही चीज दोनों मैट्रिक्स इज इक्वल तो देयरफॉर पहला पहले के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू -1 एंड जेड इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 4। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, तो ये चीज समझ के करना है, ठीक है ना। बस ये चीज अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपना ए इंटू 1/6 बी थी तो ये चीज हमारे यहाँ पे ए का इनवर्स बनेगी, क्यों बनेगी ये प्रॉपर्टी बच्चों हमने पहले ही पढ़ रखी है, आई बात समझ में, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आगे हम चलते अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, ये अपने आप ही करोगे, थोड़ा सा मैं आपको इंट दे देता हूं, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट।
देखो स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये लिखा हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज माइनस वन। देखो बच्चों ये लैंग्वेज में आ गया, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है नहीं, इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। और इक्वेशन तो हम देखो ये टेंथ क्लास से ऐसा ये काम करते आए हैं, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज माइनस वन, इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई टू एंड थर्ड नंबर इज बाई थ्री वी गेट फाइव ऑन एडिंग दैम, इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर वी गेट माइनस वन, फाइंड द नंबर्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बच्चों हमें वो नंबर्स निकालने हैं, तो छोटी क्लास में क्या करते थे कि जो चीज़ हमारे पास है नहीं उनको अपना सपोज कर लिया करो, तो वही काम यहाँ पे हमें वो तीनों नंबर निकालने हैं। सबसे पहले वो नंबर अपने लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर बताओ बच्चों क्या मान लें, एक्स मान लें, सेकंड नंबर हमने अपना मान लिया बच्चों वाई, और थर्ड नंबर हमने यहाँ पे हमारा सपोज कर लिया बच्चों जेड। तीन नंबर है तो कम से कम तीन इक्वेशन होनी जरूरी है, और क्वेश्चन में तीन कंडीशन हमारी यहाँ पे देखो बच्चों गिवन भी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में चलो, कंडीशन जो भी बोली है उसके हिसाब से अपने यहाँ पे तीन इक्वेशन बनाओ। सबसे पहली कंडीशन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज माइनस वन, इन तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में कितना गिवन बच्चों माइनस का वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो क्या गिवन है, अब आगे इन्होंने ये बोल दिया इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई टू। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है अगर हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करवा दे किससे, टू से, ये लो करवा दी ठीक है ना, एंड थर्ड बाई थ्री, और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई करवा दे बच्चों थ्री से वी गेट, तो हमें अपना क्या मिलेगा फाइव मिलेगा ऑन एडिंग देम, उनको जोड़ने पर हमें वहां पे अपना फाइव मिलेगा, और ये हमारे यहां पे बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बात समझ में, उसके बाद आगे देखो एक बार, और थर्ड इक्वेशन में इन्होंने क्या बोला है, थर्ड कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। देखो बच्चों जो हमारे पास पहले दो नंबर है इनके सम में से तो एक्स प्लस वाई आ गया, थर्ड नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का जेड, और हमें अपना क्या मिल जाएगा, देन वी गेट माइनस का वन, फाइंड दीज नंबर्स बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। आगे ये काम बच्चों अपने आप ही करोगे, सारा काम हमने पहले कर लिया। देखो तीन इक्वेशन आ गई, वही काम, सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म लिखवा दोगे ना, वहां से हमें डेट ऑफ ए निकालना जो आपको यहाँ पे नॉन जीरो मिलेगा, अगर नॉन जीरो आ गया तो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे बच्चों कैसा हो जाएगा, यूनिक। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे सोल्व करने का तरीका हमने सीखा है, एक्स की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, ए इनवर्स इंटू बी। अब पहले काम करो, एक्स की वैल्यू तो जो भी हमारे पास यहाँ पे पुट करवा दोगे ना एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जो भी आएगा आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दियो, बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है माइनस का वन फाइव माइनस का वन, सोल्व करवा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने कर लोगे ना सारा काम। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर लिया था, बस वहाँ पे इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ी, तो आगे ये सारा काम बच्चों अपने आप ही करोगे। तो हमने अपने जितने भी यूनिक सॉल्यूशन के हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज से अपने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन के, वो बच्चों हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, तो आज आपको इतना ही काम करना है।